बॉलीवुड एक्टर सनी देओल इन दिनों गदर 2 की सक्सेस को एंजॉय कर रहे हैं। अब इसी बीच सनी देओल को लेकर एक बड़ी खबर सामने आ रही है। दरअसल सनी देओल ने अपनी अपकमिंग फिल्म के लिए एक्टर आमिर खान के साथ हाथ मिलाया है। सनी देओल आमिर खान के प्रोडक्शन हाउस में बनी फिल्म लाहौर 1947 में लीड रोल निभाएंगे। इस फिल्म को राजकुमार संतोषी डायरेक्ट करेंगे। इस बात की जानकारी आमिर खान प्रोडक्शंस के इंस्टाग्राम हैंडल से दी गई है। आमिर खान प्रोडक्शन ने एक स्टेटमेंट जारी करते हुए लिखा, मैं और आमिर खान प्रोडक्शन की पूरी टीम ये अनाउंस करते हुए बहुत एक्साइटेड है कि हमारी अगली फिल्म का नाम लाहौर 1947 है। इसमें सनी देओल लीड रोल में होंगे और इस फिल्म को राजकुमार संतोषी डायरेक्ट करेंगे। इस फिल्म के साथ हम बहुत ही टैलेंटेड सनी देओल और अपने फेवरेट डायरेक्टर राज संतोषी के साथ हाथ मिला रहे हैं। हम इस यात्रा के सफल होने की कामना करते हैं, इसके लिए हम आपका आशीर्वाद चाहते हैं। इसी के साथ बता दें कि आमिर खान प्रोडक्शंस के इस पोस्ट पर लोग खूब कमेंट कर रहे हैं और अपनी प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। एक यूजर ने लिखा, इस फिल्म को लेकर बहुत ही एक्साइटेड और खुश हो। बता दें कि ऐसा पहली बार होगा जब आमिर खान और सनी देओल किसी फिल्म का हिस्सा बनेंगे। वर्क फ्रंट की बात करें तो जहां एक्टर सनी देओल ने अपनी फिल्म गदर 2 से बॉक्स ऑफिस पर तूफान मचा दिया है, वहीं एक्टर आमिर खान आखिरी बार फिल्म लाल सिंह चड्ढा में नजर आए थे। इस फिल्म में आमिर के साथ एक्ट्रेस करीना कपूर लीड रोल में नजर आई थी। हालांकि बॉलीवुड बायकॉट ट्रेंड के कारण ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर पूरी तरह से फ्लॉप साबित हुई, जिसके बाद आमिर खान ने कुछ समय के लिए एक्टिंग से दूरी बनाने का फैसला ले लिया था। आपको इस खबर पर क्या कुछ कहना है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और इस तरह के तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए करारा न्यूज़ डे एंड नाइट को सब्सक्राइब करना ना भूलें।